हेलो दोस्तों, स्टडी जी के ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, भूगोल NCERT बुक से मृदा या भूमि की जानकारी ऑनलाइन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि मृदा विज्ञान को क्या कहते हैं, तो पोडोलॉजी कहते हैं। मृदा विज्ञान को पोडोलॉजी कहते हैं। चट्टान शब्द सिर्फ चट्टान पत्थरों से नहीं होता है, प्रयोग केवल ग्रेनाइट बरुआ पत्थर जैसे कठोर उच्च प्रतिरोध पदार्थों के लिए नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग कंकड़ चिकनी मिट्टी और लोअस जारोड़ मिट्टी जैसे मिट्टी कम संघन निम्न प्रतिरोधी मृदाओं के लिए भी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया। क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब? 2015 में। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। सबसे बारीक कण को क्या कहते हैं? कोलाइडल मृतिका कहा जाता है। सबसे बारीक कण जिसके कण को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट लिखा कि जब कणों की 3 से 4 किस्में एक साथ मिल जाती है तो दोमट मृदा अधिक संश्लिष्ट हो जाती है। भारत की अधिकांश मृदाएं दोमट किस्म की पाई जाती हैं। मृदा की संरचना, मृदा संरचना मृदा में जल वायु की मात्रा को नियंत्रित करती है। मृदा में वायु की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। क्योंकि बीजों के अंकुरण, जड़ों के शोषण, जीवाणु गतिविधियों के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मृदा के विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयनों का संकेंद्रण मृदा की अम्लीयता कहलाती है। मृदा का पीएच मान 6 से कम होता है। मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जो तंतु वाले पौधों की जड़ों की ग्रंथ में रहता है और नाइट्रोजन पौधे के लिए लाभकारी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता रहता है। मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मृदा संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता का प्रसार करना होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरत जिले में मिट्टी की खराबी गुणवत्ता की जांच करने के लिए की गई थी। यह कार्ड प्रत्येक 4 वर्ष पर नवीनीकरण होता है। भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। जारोड़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। भारत का नक्शे में देखते हैं मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये है 8 मिट्टी। लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी, वन मिट्टी, ये सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देख लेते हैं ये जी दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कि जारोड़ मिट्टी के बारे में या दोमट मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी जारोड़ या दोमट मिट्टी कहते हैं, जो देश के लगभग 40% भाग को ढके हुए है। भारत में पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जारोड़ से बने हुए हैं। इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक अम्ल तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किंतु इनमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस तत्व बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी, भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट लावा की अपचय टूटने फूटने से हुआ है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दफन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रासायनिक दृष्टि से
काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में तथा नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरम मैग्नेट मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का कपास खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है, उचित समझी जाती है। अब देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी एक ही है। इस प्रकार से इसमें रद्दा का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल युक्त रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए लाल या पीली मिट्टी कहते हैं। लिखा है इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। भारत में यह तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के व्यापक क्षेत्र में और पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी के बारे में जानकारी देते हैं। लैटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका निचालित हो जाते हैं तथा लौह के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मिट्टी में शेष रह जाते हैं। लैटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। यह प्रायः कम उर्वरकता वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू की कृषि की जाती है। यहाँ यह मिट्टी चाय तथा इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। शुष्क मिट्टी का रंग लाल किसी एवं किसी प्रकार का होता है। ये मिट्टी विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में विकसित हुई है। मरुस्थलीय मिट्टी में जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न भिन्न मात्रा पाई जाती है। इन मिट्टी में नाइट्रोजन और कम मात्रा पाई जाती है। मरुस्थली मिट्टी भारत के राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा तथा दक्षिण में पाई जाती है। बन मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। जहाँ दोस्तों यह मिट्टियाँ 3000 मीटर से 3100 मीटर के बीच हिमालय संघ दारू क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके कुछ जवाब सरकारी एवं पूर्वी तट तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस तथा चूने की कमी पाई जाती है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कम होती है। पहाड़ी के ढालों पर स्थित होने के कारण मिट्टी में बागवानी फसलों एवं फलों की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भारत में चाय, कहवा, मसालों एवं फलों की कृषि इसी वृद्धता में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी, ऐसी मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवणीय मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, जिसका प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल सुंदरबन क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में अधिकांश लवण प्रभाव क्षेत्र गुजरात में हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी आते हैं इसी क्रम में। इस मिट्टी में लवणता की मात्रा को ज्ञात करने के लिए विद्युत चालकता मापी का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पिटमय मिट्टी, यह मिट्टी काली एवं भूरी होती है, अम्लीय होती है। इसमें लवण और जब पदार्थों की अधिकता परंतु फास्फेट और पोटाश की कमी देखी जाती है। यह मुख्यतः केरल राज्य के कोट्टायम जनपद के पश्चिमी भाग में और अलपुझा जनपद के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अम्लीय मृदा की उपस्थिति
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रहती तथा सारी मृदा की उत्पत्ति कम वर्षा वाले स्थानों में होती है। यहाँ पर क्षारीय है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, क्षारीय, ये सारी नहीं है, क्षारीय अम्ली है, यहाँ पर क्षारीय है। क्षारीय मृदा की उपस्थिति कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाले राज्यों का घटना क्रम इस प्रकार है, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन वनो उन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती एवं पत्तियां टहनियां गिरकर मृदा को ही ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती है। भारत के जिन क्षेत्रों में वन उन्मूलन या वनस्पति का विनाश किया गया है वहाँ मृदा अपरदन अधिक तीव्र है। पवन अपरदन द्वारा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन की समस्या। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को गड्ढा भूमि कहा जाता है। भारत में गड्ढों और अवनालिका द्वारा हुए मृदा के अपरदन से 36.7 लाख हेक्टेयर उनको नुकसान हुआ है। भारत की इतनी जमीन को भारत के चंबल घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिले में खो गड्ढों या उत्खात भूमि का निर्माण हुआ अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी इसके विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण क्या होता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। भारत में 12.13% क्षेत्र शुष्क तथा 29.13% क्षेत्र अर्धशुष्क वर्गों में रखा गया। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 16 जिलों में यानी कि 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मरुस्थल तेजी से दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। कब, 1953 में। CAZRI भारत में मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा 1953 ईस्वी में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना की गई है। बंजर भूमि सुधार से संबंधित संस्थान कहाँ कहाँ हैं वो देखते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद और एक दिल्ली में, एक मुंबई में भी संस्थान है। जी दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।